Hello everyone, now I'm going to start next topic, examples of momentum. Momentum ke examples kya hote hain? So the first example is when a bullet thrown with a hand may not cause any injury. It means agar hum kisi bullet ko, kisi ek particular mass ke bullet ko by hand throw karte hain, tab usse itna jyada injured nahi hota hai. But the same bullet fired from a gun could be फैटल. अगर हम उसी बुलेट को, सेम मास के बुलेट को एक गन से क्या करते हैं, फायर करते हैं, तो इट कुड बी फैटल. ये एक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है. ओके, सो विथ ग्रेटर वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस मोर इम्पैक्ट. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है. इम्पैक्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा चोट करता है. ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ अ फोर व्हीलर मूविंग एट अ रिलेटिवली फास्ट वेलोसिटी. अगर हमारे पास कोई फोर व्हीलर है और वो एक फास्ट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हैज़ अ स्मॉलर मोमेंटम देन द सेमी ट्रक बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल मास एंड विल स्टॉप मच फास्टर. इट मीन्स अगर हमारे पास कोई छोटा ट्रक है उससे, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ईजीली और बहुत तेज़ी से स्टॉप हो सकता है. बिकॉज द हैवियर ट्रक हैव मोर मास एंड द लाइटर ट्रक हैज़ लोअर मास. सो बिकॉज द हैवियर मास कैन बी स्टॉप विद मोर टाइम एंड द स्मॉल मास कैन बी स्टॉप विद स्मॉल टाइम. ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ कराटे एक्सपर्ट कैन जनरेट एनफ स्पीड विद हिज फिस्ट. जो कराटे एक्सपर्ट होता है वो अपनी मुट्ठी से, अपने हाथ से एक ज़्यादा स्पीड क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, दैट द मोमेंट कैन कैरी थ्रू सेवरल ब्रिक्स ब्रेकिंग दैम. जिससे वो क्या करता है, एक ज़्यादा अमाउंट पर ब्रिक्स को क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता. बिकॉज द मोर वेलोसिटी कैन जनरेट मोर इम्पैक्ट. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स and best of luck.